दोस्तों भोले भंडारी आज दिनांक 19 जुलाई 2024 है। आज की देवाणी जनवाणी मंगलवार। मैं आपका दोस्त मंगल अलवरा से, मैं ईश्वर अल्लाह गुरु वाहे गुरु बुद्धम अवतार बाबा जी को नमन करता हूँ। अभी रात में मैं सोने जा रहा हूँ और मैंने लाइट ऑफ कर दी है, लेकिन परमात्मा ने बोला है कि मंगल आज इसी डिवाइन मैसेज को दे। यद्यपि यह मेरे जीवन की एक प्रतिक्रिया है, लेकिन यह डिवाइन मैसेज इसलिए है कि उसने कहा है कि ऐसा ही तुम अपने जीवन की प्रतिक्रिया है, तुम्हारी ऐसा है तो तुम ऐसा ही बोलो। सुनिए आज का डिवाइन मैसेज जो मेरी एक प्रतिक्रिया है। एक जातिवादी भारतीय कोबरे से ज़्यादा खतरनाक है, और भारत के सारे हिंदू जातिवादी हिंदू हैं, जातिवादी भारतीय हैं। यदि मुझसे यहाँ आकर अभी ईश्वर पूछे कि इस पृथ्वी से कुछ स्पीसीज का सफाया होना है, सफाया करना है, कुछ प्राणियों का, कुछ स्पीसीज का सफाया करना है, तो तुम किसको सब पहले प्रेफर करोगे? एक कोबरा या एक जातिवादी हिंदू? तो मैं फ्रेंकली ईश्वर से कहूँगा कि बेचारे कोबरे ने किसी का क्या बुरा किया है, वे तो बहुत कम बाइट करते हैं और वे जानवर हैं, उनमें उनका दोष ही क्या है? वे शायद वे तो अपनी परिस्थितियों के वशीभूत हैं कि एक कोबरे का मम्मी पापा भी कोबरे थे इसलिए ऐसे हुए। वैसे तो भारत के जातिवादी हिंदुओं के भी मम्मी पापा ऐसे हैं, चिड़े वैसे हुए, इस तरह से उनका दोष कम हो जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि उनको परमात्मा ने मानव के रूप में पैदा किया है और उनको कोबरे के रूप में पैदा किया है, इसलिए भारत के जातिवादी भारतीय यानी जातिवादी हिंदू यानी हिंदू आर मोर डेंजरस देन ए कोबरा। तो इस पृथ्वी से, इस भारत से कोबरा से पहले जातिवादी हिंदुओं का सफाया हो। ईश्वर अपने हिसाब से धीरे धीरे करे, किसी को किल नहीं करे। हमारा ऐसा विचारधारा नहीं है कि कोई मारा जाए या किसी को मर्डर किया जाए, लेकिन यदि उसको अपने हिसाब से ही दुनिया में परिवर्तन करना है और धीरे धीरे नॉर्मली कुछ स्पीसीज को
इंस्टिंक्ट करना है, विलोप करना है, सफाई करना है। तो मैं ये चाहूँगा कि कोबरा से पहले जातिवादी भारतीयों का सफाया हो और सब सारे हिंदू जातिवादी भारतीय हैं। बड़ा कठोर सा ये स्टेटमेंट मेरा दिखता होगा, लेकिन ईश्वर ने बोला है कि मंगल इसी को बोल, इसी से उद्धार होगा। यही सारी मानवता के कल्याणार्थ शब्द हैं। दोस्तों आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सबका भला हो।